हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे भाई। तुम्हारा भाई फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो चुका है। तो यार, ऊपर वाली की दुआ से आप सब यार खैरियत में होंगे, अपने घर पे भाई महफूज होंगे, क्योंकि यार इस समय यार लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना भाई तेजी से फैल रहा है हमारे देश में। तो आप सब यार मेरे हिसाब से तो आप घर पे बैठे होंगे, आराम कर रहे होंगे, ठीक है, और कबूतरबाजी का आनंद ले रहे होंगे, ठीक। तो भाई आज मैं आपके लिए खेल पानी लाया हूँ, क्योंकि यार बहुत दिन हो गए यार कोई हमने अपने भाइयों को कोई खेल पानी बताया नहीं है। तो मैंने सोचा यार कोई चलो खेल पानी की वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको एक खेल पानी की वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरा ये देखो पानी बिल्कुल रेडी है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पानी मैंने कैसे बनाया था, ठीक। तो भाई अभी तक यह चैनल जिसने यार सब्सक्राइब नहीं किया गया, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई मैं पानी बताने से पहले तो मैं आपको ये बता दूं भाई, देख आप सबको पता ही है कि गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है, और कबूतर को यार बहुत केयर करनी पड़ती है। तो मैंने कल एक वीडियो डाली थी कि अपने कबूतरों को भाई गर्मी से यार कैसे बचाएं और अपने कबूतरों को क्या दें जिससे आपके कबूतर हर बीमारियों से बचे रहें। तो जाके यार वो वीडियो देख लेना, ठीक है। मैं चाहे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वीडियो पूरी देख लेना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। बहुत टाइम बना था भाई बनाने के लिए, तो यार देख लीजिएगा आप वो वीडियो, ठीक। तो भाई ये मैंने पानी बनाया था, ये आप देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देखो भाई पानी बना हुआ है, ठीक है। देखो भाई सौंफ पड़ी है इसमें, ठीक है, और ये देखो इलायची भी पड़ी है, आपको दिख रही होगी, इलायची भी पड़ी है, सौंफ भी पड़ी है। तो मैं ये पानी बताता हूँ आपको कैसे बनाना है आपको, ठीक है। तो भाई देखो सौंफ जो आती है हरी सौंफ, ठीक है, आपको पंसारी दुकान में आसानी से मिल जाएगी। ये जो मैं पानी बता रहा हूँ भाई, आपको ये गर्मी में पानी देना है, जिससे आपका जितनी भी भाई विकट की गर्मी पड़ रही हो, ठीक है, तो आपका कबूतर यार चटक रहेगी कबूतर में, और आपका कबूतर में बिल्कुल रुआब रहेगा, ठीक है, रुआब जाएगा नहीं, ठीक। जैसे यार कुछ के कबूतर लद्दू हो जाते हैं, तो ठीक है, तो उनको पकड़ो तो कोई असर नहीं है, चटकपन नहीं होता है, ठीक है। तो सियानपन एक तरह से कहा जाए, सियानपन नहीं होता है, तो उस इस पानी से सियानपन भी रहेगा, और इतनी गर्मी पड़ रही है आपसे पता ही है, तो कबूतर इस पानी से ठंडा भी रहेगा। तो ये देखो भाई हरी सौंफ आती है, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो भाई हरी सौंफ आती है 10 रुपये की, आपको जितनी भी मिल जाए, ठीक है, पंसारी दुकान में आप कहिएगा 10 रुपये की देते भाई, तो 10 रुपये की भाई आपको जितनी भी मिल जाए 10 रुपये की ले लेना है आपको, ठीक। 10 रुपये की भाई ये होगी हमारी सौंफ, और उसके बाद आपको ले लेनी है भाई इलायची। इलायची मैं आपको दिखा देता हूँ, 10 रुपये की भाई जितनी भी इलायची मिल जाए, मान लो आपको इतनी इलायची मिल गई, 10 रुपये की मान लो इतनी इलायची मिल गई, तो भाई इलायची के जो अंदर के दाने निकाल लेना, और दाने निकालने में जो छिलका बचे, ठीक है, उसको रख लेना, ठीक। अब आपको करना क्या है, 1 लीटर वाले डब्बे में, आपको 1 लीटर का डिब्बा हो, ठीक है, तो उसमें आपको पानी ऐड कर लेना है, रात में 9 बजे या जितना भी आपको टाइम हो, ठीक है, तब ऐड कर लेना है, ठीक, पानी ऐड कर लेना पूरा, जैसे मैंने ऐड करके रखा है। और ये सौंफ डाल लेने, जो 10 रुपये की आपने सौंफ ली है वो डाल लेना है आपको, उसके बाद इलायची डाल लेना। देखो भाई इलायची भी है इसमें, सौंफ भी है, तो पानी का कलर इस तरीके का, जब आप 9 बजे से रात में आपने 9 बजे रखा, सुबह आप उठ के देखोगे 6 बजे या 7 बजे अपने कबूतरों को दे सकते हो, ठीक है, तो आप पानी का कलर देखोगे तो इस तरीके का कलर आएगा, हरे कलर का आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, पानी बन गया है, ठीक है, ये आपको पानी मैंने बता दिया, ये पानी बन जाएगा आपका ऐसे। फिर ये पानी की खासियत ये है कि आपका कबूतर उड़ान वाला भी है, जैसे आप जो कबाली कबूतर पाले हैं, जिसे हम गिरेबाज कहते हैं अपनी जबान में, ठीक है, तो उनको भी ये दे सकते हो, जो उड़ान के कबूतर होते हैं उनको भी ये पानी दे सकते हो, ये कबूतर को ठंडा रखेगा, ठीक। अब उसके बाद आपको करना क्या है ये बता देता हूँ मैं आपको, ये पानी भाई आपका रेडी हो जाएगा, जैसे मैंने बताया ये पानी आपका रेडी हो जाएगा। 1 कप ले लो इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा भाई कप ले लो, इसमें ये पानी डाल लो, ये हो गया भाई 1 कप भाई, ठीक, ये पानी मैंने डाल दिया, ठीक। उसके बाद इसको छलनी से डाल के मैंने इसमें देखो भाई प्याले में डाल दिया, ठीक है, देखो भाई देख सकते हो मैंने सौंफ भी डाली थी, इलायची भी है, आप देख सकते हो, ठीक है, ये भाई 1 कप हुआ। उसके बाद एक कप और डाल लो आप, ऐसे ही आपको 2 कप डाल लेने हैं, ठीक है, और ये इस तरीके से छान लिया मैंने, ठीक, ये भाई 2 कप छान लिए, ठीक। अब उसके बाद ये इसके ये जो मैंने पानी बनाया था उसके 2 कप डाल चुके हैं इसमें, ठीक। अब उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको ये ले लेनी है जो मैंने दाने निकलवाए थे इलायची के, जो भाई जो दाने निकलवाए थे मैंने, ये देखो भाई इस तरीके के भाई दाने होंगे, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ठीक, इलायची जितने भी दाने बचे हैं, ठीक है, तो उसको इसमें पीस लेना है, उसको इसमें पीस लेना है, तो भाई देख सकते हो, ठीक है, 10 रुपये में भाई जितनी भी आपने इलायची ली होगी उसके भाई दाने निकाल लेने हैं,
और इसको अच्छे से पीस लेना है, ठीक है। अच्छे से भाई पीस लो इस तरीके से जैसे मैं पीस रहा हूँ। भाई क्या ही स्मेल आ रही है भाई इलायची की, तो मज़ा ही आ गया, ठीक है। इस तरीके से भाई पीस लेना है, ठीक है, जैसे मैं पीस रहा हूँ, ठीक है। मैं हर चीज़ बता देता हूँ आपको कि इस तरीके से करना है आपको। अच्छे से भाई पीस लेना है, देखो भाई पीस गई पूरी। 10 रुपये की जितनी भी इलायची है उसके दाने निकाल लेने और इस तरीके से पीस लेना है, ठीक। ये भाई पीस चुकी है, आपको मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देता हूँ, बस ठीक है। ये भाई वो पीस चुकी है। उसके बाद आपको ले लेनी विधारा, ये आती है भाई विधारा। ये भाई कबूतर को ताकत देती है, पंसारी दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगी। ये विधारा होती है, कबूतर को भाई ताकत देती है। इसके आपको 40 कबूतर या 50 कबूतर में आपको 40 से 50 घिस्से लगाने हैं, ठीक है। मैं देखो भाई, अगर इसके यार घिस्से ज़्यादा भी लग जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये भाई कबूतर को भाई ताकत देती है, ठीक है। इस तरीके से भाई लगा लेने हैं आपको, अच्छे से घिस्से लगा लेने हैं। देखो भाई असर भी निकल रहा होगा, आप देख सकते हो, ठीक है। कबूतर को ताकत देती है, कोई नुकसानदायक तो है नहीं भाई कोई, तो आप लगा सकते हो उसको, ठीक है। तो भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भाई इस समय भाई हार लगा रहे हो या फिर आम हल्दी लगा रहे हो अपने कबूतरों पे, तो भाई वो अपने आप अपने कबूतरों को ख़राब कर रहे हो एक तरह से, क्योंकि आम हल्दी होती है गर्म और हार होती है जो कबूतर का पेट खाली कर देती है, ठीक है। अगर ये लगा रहे हो तो भाई बहुत बड़ी ज़्यादा बहुत बड़ी गलती कर रहे हो गर्मी में। आपको गर्मी में ये सब नहीं खेलना चाहिए। इस तरीके से भाई 50 घिस्से लगा लेना है, ठीक है। क्योंकि यार जो हमारी आम हल्दी होती है वो होती है गर्म, समझ रहे हो। आम हल्दी जो होती है भाई गर्म होती है, तो उसको इस समय नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से भाई आपने पूरे घिस लिया, ठीक। हाँ, जो हमने बताई थी आपको विधारा, विधारा के घिस लिए हैं आपने, ठीक है। और 50 से 40 घिस्से हो गए हैं। उसके बाद आपको ले लेनी है मुरेठी, जो आप कबूतर उड़ाते हो गए उसके बाद कबूतर मुँह खोलता होगा, ठीक है। इससे वो मुंह नहीं खोलेगा कबूतर, ठीक है। तो 50 कबूतर में भाई इसके लगाने हैं 40 घिस्से, ठीक है। इस तरीके से भाई घिस्से लगा लो अच्छे से। देखो भाई घिस रही है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से भाई लगा लेना घिस्से, अच्छे से लगा लेना, ये देख लो भाई। और भाई कमेंट करके भाई ज़रूर बताया करो कि यार ये वीडियो आपको कैसी लगी। यार जब आप कमेंट करते हो ना, मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई भाई लोगों को यार मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है। तो आप कमेंट भी किया करो यार, कमेंट नहीं करते तो मज़ा नहीं आता है मेरे को, ठीक है। कमेंट किया करो भाई, ये सब कुछ भी करो यार, गंदा कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर किया करो ज़रूर भाई, ठीक है। क्योंकि कमेंट करते तो भाई हमें भी अच्छा लगता है कि यार भाई चलो यार हम मेरी मेहनत जो मेहनत कर रहा हूँ लोगों के लिए, आपको लोगों को बताने के लिए, ठीक है, तो वो जाया ना जाए। इस तरीके से भाई ये हमारे मुरेठी के भी किस्से लग चुके हैं, ठीक। उसके बाद आपको ले लेना है ग्लूकॉन डी, आपने बचपन में भी बहुत पिया होगा ना। हाँ मुझे मालूम था पिया होगा। तो भाई ग्लूकॉन डी आता है, ठीक है, रेगुलर का, ठीक है। फ्लेवर मतलब फ्लेवर नहीं बता रहा हूँ मैं, फ्लेवर इसका रेगुलर है, मतलब सादा होता है, ठीक है। ये हम कबूतर को दे सकते हैं, ठीक। अगर आपको फ्लेवर वाला लेना है तो लेमन वाला लीजिएगा, उसके अलावा कोई भी फ्लेवर वाला मत लीजिएगा। रेगुलर का है, रेगुलर का ले लीजिएगा। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। ये हमारी भाई ये हो गया हमारा 1 चम्मच, ठीक है। और ये भाई हो गया हमारा 2 चम्मच, बस 2 चम्मच ही डालनी है आपको भर के, ठीक। आप देख सकते हो नीचे 2 चम्मच ही आपको डालनी है और उसको हिला लेना है, ठीक है। अभी ये पानी ख़त्म नहीं हुआ है। अब इसके बाद आपका आता है डाबर का गुलाब जल, या कोई भी कंपनी का आपको गुलाब जल मिल जाए, ठीक है। या फिर आपको गुलाब जल इस समय नहीं मिल रहा हो, जैसे कि आपको गुलाब जल अगर नहीं मिल रहा हो तो गुलाब आता है, आपको मालूम ही गुलाब आता है। जब ये आप पानी बनाओगे ना, ये जो मैंने बताया था पानी, तो ये जब आप बनाओगे ना तो उसमें गुलाब भी डाल देना 10 रुपये का, ठीक है। तो ये आपको लेने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास ये है तो ठीक है, ठीक। अगर ये आपके पास है तो इसकी भाई 15 से 20 बूंदें इस पानी में ऐड कर देना, बस। उसके बाद ये पानी आपका रेडी हो गया है। अब आपको करना क्या है, जितना आपका कबूतर पी सके पानी, भाई उतना ही पानी इसमें ऐड करिएगा, उससे ज़्यादा ऐड ना करिएगा। जितना आपका कबूतर यार पी सके उतना ही ऐड कीजिएगा। अगर उससे आप ज़्यादा कर दोगे तो भाई जो पानी होता है वेस्ट चला जाता है, जो इसमें जो हमने जितने भी घिस्से लगाए ना तो उसका असर ख़त्म हो जाता है, ठीक। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना आपका कबूतर पी सके उतना ही
ये आपको पानी ऐड कर लेना है। ठीक, अब ये भाई हमारा पानी ऐड हो चुका है, अब हम ये अपने कबूतरों को देंगे। तो वीडियो भाई अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई कमेंट जरूर करना, कमेंट कुछ भी करना मगर भाई कमेंट जरूर करना है, क्योंकि कमेंट करते हो तभी मुझे अच्छा लगता है, आपके लिए वीडियो बनाना मज़ा आता है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा, मिलते हैं भाई अगली वीडियो।